हे गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप ग्रो बैग या गमले में मिट्टी कैसे भरें और सब्जियां कैसे लगाएं ताकि आपको अच्छी प्रोडक्शन मिल सके। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आप जानते हैं कि ग्रो बैग या गमले में मिट्टी भरने का सबसे सस्ता, अच्छा और सही तरीका क्या है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, मैंने ग्रो बैग में थोड़ी सी मिट्टी की लेयर, जो कि नॉर्मल गार्डन सॉइल है, उसको डाल दी है। मैंने इसलिए मिट्टी की लेयर डाली है ताकि बाद में मैं जो इसमें ऑर्गेनिक मैटर डालूंगी वो पानी डालने के बाद डायरेक्टली ड्रेन होके निकल ना जाए और गमले में ही बना रहे। तो अभी गमले को भरने के लिए मैं जो सबसे पहले जो मिट्टी के बाद जो लेयर डाल रही हूँ वो है सूखे पत्तों की। सूखे पत्तों की मैं इसमें कुछ लेयर डालूंगी, तो आप भी ऐसे ही सूखे पत्तों को नीचे डालें। अगर आपके पास गार्डन है तो वहाँ से तो आपको सूखे पत्ते मिल जाएंगे, अगर नहीं है तो आप घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं वहाँ से भी सूखे पत्तों को कलेक्ट करके रख सकते हो। सूखे पत्ते डालने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये बहुत स्लो डिकम्पोज होता है और ये आपकी मिट्टी में नमी को बनाए रखेगा, और जो ब्राउन चीज़ें होती है उनमें थोड़ी कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है तो आपके मिट्टी में ये कार्बन के लेवल को भी मेंटेन करेगा और इसमें माइक्रोब्स की भी मात्रा बढ़ाएगा। अब मैं सूखे पत्ते को डालने के बाद इसमें जो मैं दूसरी चीज़ डालूंगी वो है किचन वेस्ट। किचन वेस्ट में आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फल सब्जियों के छिलके वगैरह। बस आपको ये ध्यान रखना है इसमें कोई पकी हुई चीज़, यानी कि कोई कुक्ड फूड नहीं होना चाहिए। साथ ही आप इसके साथ आपके जो गार्डन से वेस्ट निकलता है, ग्रीन वेस्ट, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। किचन वेस्ट को कलेक्ट करना बहुत ही आसान है। आपका जो डेली किचन यूज़ में जो वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि छिलके वगैरह निकलते हैं, आप उनको कलेक्ट करते जाएं और जब भी आपको गमले में पॉटिंग या रिपॉटिंग करनी होती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है आपको कि जब आप इनको कलेक्ट कर रहे हैं तो आप इनको ड्राई जगह पे कलेक्ट करें, इसको गीला ना होने दें। अगर आपका किचन वेस्ट गीला हो जाएगा तो इसमें कीड़े बन जाएंगे और फिर वो यूज़ करने लायक नहीं रहेगा। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में किचन वेस्ट का यूज़ ना करें, मतलब आपको थोड़ी ही लहर डालनी है, क्योंकि ये जब डिकम्पोज होगा, जब भी आपका ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, और अगर आप इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में डालोगे तो हीट ज़्यादा जनरेट होगी और आप इसमें जब पौधे जब ट्रांसप्लांट करोगे या पौधे लगाओगे तो वो पौधे जल भी सकते हैं। इसलिए थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में ही किचन वेस्ट या जो ऑर्गेनिक मैटर आप यूज़ कर रहे हैं उनको लिमिटेड अमाउंट में ही यूज़ करें। तो अब बारी है इस पे मिट्टी भरने की। तो मिट्टी भरने के लिए जो हम पॉटिंग मिक्स का यूज़ करेंगे वो है 50% गार्डन सॉइल, 30% कॉम्पोस्ट एंड 20% सैंड या कोकोपीट, जो भी आपके पास अवेलेबल है। 30% कॉम्पोस्ट में आप अगर आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसकी जगह पे आप वर्मी कंपोस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट और सस्ता ऑप्शन है किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट। किचन वेस्ट में वो सारी न्यूट्रिएंट्स होती है जिसके आपको प्लांट की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पर गोबर की खाद का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके न्यूट्रिशन रिच सॉइल बना सकते हैं। तो अभी अभी यहाँ पर मैं इन तीनों को साथ में मिक्स करूँगी। आपके पास जो भी अवेलेबल है उससे आप न्यूट्रिशन रिच पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका जो पॉटिंग मिक्स है वो लूज़ होना चाहिए, मतलब वो अगर कॉम्पैक्ट होगा तो उसमें जो प्लांट्स की रूट है उसका ग्रोथ सही से नहीं होगा। अगर प्लांट की रूट की ग्रोथ सही नहीं होगी तो आपका आपके पौधे की ग्रोथ सही नहीं होगी, और अगर पौधे की ग्रोथ सही नहीं होगी तो आपको अच्छे से उससे प्रोडक्शन भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा पॉटिंग मिक्स को ऐसे लूज़ ही बनाएं। तो अब मैं पॉटिंग मिक्स को गमले में भर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि जो पॉटिंग मिक्स मैंने प्रिपेयर करी है वो कितना ज़्यादा लूज़ है। लूज़ पॉटिंग मिक्स बनाने का एक और फ़ायदा ये होता है कि ये वेल ड्रेन्ड होता है, यानी कि अगर आप जब भी आप ग्रो बैग या गमले में पानी डालेंगे तो वो जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो इजीली ड्रेन होके होल से बाहर निकल जाएगा। और अगर बारिश भी होती है तो वो जो ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी अगर जमा होता है तो वो अच्छे से लूज़ पॉटिंग मिक्स होने की वजह से ड्रेन होके निकल जाएगा। और
उसमें गमले में आपके या ग्रो बैग में वाटर लॉगिंग नहीं होगी। अगर वाटर अगर आपका जो स्पॉटिंग मिक्स है वो अगर कॉम्पैक्ट होगा तो उसमें वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आएगी, और वाटर लॉगिंग की वजह से जो आपके जो प्लांट्स के रूट होंगे वो भी गल जाएंगे, और प्लांट के रूट्स गलने से आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। पॉटिंग मिक्स भरने के बाद आपको गमले को थोड़ा अच्छे से ऐसे हिला देना है और थोड़ा मिट्टी को भी प्रेस कर देना है ताकि उसमें कोई एयर गैप ना रह जाए। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप ग्रो बैग में मिट्टी डालें तो उसमें ऊपर 2-3 इंच की लेयर खाली रखें ताकि आप बाद में आपको पानी और उसमें खाद डालने में आसानी हो, और आप इसमें बाद में अगर आप चाहें तो पौधे में रूट फिलिंग भी कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ी 2-3 इंच की स्पेस आप ऊपर खाली रखें। और इस ग्रो बैग को भरने के बाद आप चाहें तो इसको 2-3 दिन के लिए धूप में रख सकते हैं ताकि इसकी मिट्टी थोड़ी स्टेरिलाइज हो जाए, और अगर आप चाहें तो मिट्टी भरने से पहले भी मिट्टी को धूप में सुखा सकते हैं ताकि इसमें कोई सॉयल बॉर्न डिजीज़ ना लगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रो बैग में अच्छे से मिट्टी भर ली है, और बाकी के जो ग्रो बैग हैं उनमें भी मैं इसी तरह पॉटिंग मिक्स प्रिपेयर करके मिट्टी भरने वाली हूँ। तो अब आगे मैं आपको बताऊँगी कि ऐसे ग्रो बैग को भरने के बाद इसमें पौधे या सीड्स को कैसे लगाना है। ये 2-3 दिन मिट्टी को स्टेरिलाइज करने के बाद इनमें मैं भिंडी यानी कि ओकरा के सीड्स लगा रही हूँ। इसमें आप चाहें तो पौधे को भी डायरेक्टली ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जब तक आपका पौधा बड़ा होगा उसकी जड़ें नीचे जाएंगी तब तक इसमें जो आपने ऑर्गेनिक वेस्ट डाला है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, और आपके पौधे को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और आपकी मिट्टी भी न्यूट्रिशन रिच बन जाएगी, और आपको बाद में ज़्यादा एक्स्ट्रा खाद डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप भी इसी तरह अपने ग्रो बैग या गमले को अच्छे और आसानी से भरें और उसमें पौधे लगाकर उससे अच्छे से प्रोडक्शन लें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।